तकिए से घोट कर मारा गया था इसे। कातिल ने दिल को स्लाइस कर डाला, माथे पर सिंगल शॉट बुलेट होल, उसका सर एक ही बार में फूटा। कातिल कौन है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से साउथ की कुछ सबसे जबरदस्त सस्पेंस, क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी मूवीज लेकर आ चुका हूं। इन सभी मूवीज की स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। साथ ही साथ अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो उस मूवी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि कमेंट की गई मूवी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी है आज की मूवीज। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नंबर 8 पर है 2018 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी ऑफ। फिल्म में हमें काजल अग्रवाल, नित्या मेनन और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलते हैं। फिल्म की कहानी एक रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहां पर इस मूवी के सभी किरदार आपको देखने को मिलेंगे। कृष्णा और राधा नाम की दोनों ही लड़कियां, जो कि एक दूसरे से प्यार करती है और शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए यहां पर आई हुई है। इसी रेस्टोरेंट का एक शेफ है नाला, जिसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर कोई है, एक बोलने वाली गोल्डफिश और एक पौधा। अब इसी रेस्टोरेंट की वेटरेस मीरा, जिसे ड्रग्स लेने की बहुत ही बुरी आदत है, और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी चोरी का प्लान बना रही है। आगे आपको फिल्म में और भी कहानियां देखने को मिलती हैं, जो कि क्लाइमेक्स में आते आते जुड़ती है या नहीं, यही जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी है। दोस्तों, ये मूवी देखते टाइम आपका दिमाग इतना घूम जाएगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि आखिर मूवी में चल क्या रहा है। 6 अलग अलग कहानियों को डायरेक्टर ने इस यूनिक वे में प्रेजेंट किया है कि देखने वाला कोई भी हो वो कंफ्यूज हो जाए। दोस्तों, इस मूवी के लिए मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आए थे कि इस मूवी को लेकर आओ, और फाइनली बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद ये मूवी मुझे हिंदी में ही यूट्यूब पर मिल चुकी है। दोस्तों, बहुत ही शानदार मूवी है, जो कि आपको 100% अच्छी लगेगी। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 7 पर आती है 2021 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी पॉइंट ब्लैंक। फिल्म में हमें अभिनय कृष्णा, रीचा और भी कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी में एक औरत और एक आदमी की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हत्या हो जाती है, जहां पर अब इस केस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर आदित्य इस मर्डर के पीछे छुपे कातिल को पकड़ने में लग जाता है। तो क्या आखिर तक आदित्य इस हत्यारे को पकड़ने में कामयाब रहेगा, या फिर कहानी में कुछ और ही टर्न और ट्विस्ट आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि मूवी शुरुआत से ही इंगेजिंग बन जाती है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही दो हत्याएं हो जाती हैं, इसीलिए फिल्म की स्टार्टिंग से ही हमें सस्पेंस और थ्रिल दिखना शुरू हो जाता है। और इसमें इंस्पेक्टर आदित्य जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है वो भी काफी लाजवाब है। IMDb से इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। सीरियल किलिंग्स तो चलना पाई पाई। नंबर 6 पर है 2017 की एक हॉरर ड्रामा मूवी ई, जिसमें हमें गौतमी, आशिक आमिर और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी में कार्तिक, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोच रहा है, डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने के लिए वो और उसके दोस्त इस कहानी के सब्जेक्ट मल्टी मैनल के घर पर जाते हैं। तब उनके साथ वहां पर कई सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। तो आखिर इस घर में कौन सी ऐसी शक्ति है और क्या है इस रहस्यमय शक्ति के पीछे का राज्य, सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, साउथ की बाकी हॉरर मूवीज के मुकाबले इस मूवी में हॉरर जॉनर पर काफी अच्छा ध्यान दिया गया है, और आखिर तक जो मूवी में ड्रामा चलता रहता है वो आपको मूवी में कई सारे थ्रिलिंग मोमेंट से रूबरू करवाता है। मूवी काफी शानदार है, और अगर आप एक हॉरर मूवी की तलाश में हैं तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। IMDb से इस मूवी को 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 5 पर आती है 2016 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बेटा। दोस्तों, स्पेशली इस मूवी के लिए मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे, और ये मूवी भी मुझे हिंदी में ही यूट्यूब पर मिल चुकी है। फिल्म की कास्ट में हमें इंद्रजीत, कुंचकु बोबन और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी में दो पुलिस ऑफिसर दिखाए गए हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस के किडनैपिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऑफिसर एक मेलविन नाम के आदमी को सस्पेक्ट के आधार पकड़ते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेलविन कुछ भी रिवील करने से मना कर देता है। अब दोस्तों, जो ये मैं कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी इस फिल्म की असली कहानी है ही नहीं, बस मैंने इस मूवी की थोड़ी सी आपको हिंट दी है। तो क्या है इस मूवी की असल कहानी, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों, 2016 में बनी मूवी अगर 2023 में भी हमें अच्छी लगे ना, तो वो है एक असली मास्टरपीस। जब मेलविन को दो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तब उनको लगता है कि अब तो केस सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन मेलविन नाम का ये साधारण सा आदमी उन दोनों पुलिस वालों को कैसे अपनी उंगलियों पर नचाता है, क्या है इस केस की मिस्ट्री, ये सब आपको इस फिल्म के एंडिंग में पता चल जाता है। IMDb से इस मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। व्हाट डिड यू से? Killed her.
नंबर 4 पर है 2019 में रिलीज हुए क्राइम थ्रिलर मूवी स्कॉटलैंड। फिल्म में हमें चेतन पंडित, कशिश राय और भी कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी एक डॉक्टर की है जो कि अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी अचानक उसकी बेटी किडनैप हो जाती है। पुलिस की बहुत छानबीन के बाद उस लड़की की लाश एक कचरे की जगह पर बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। आगे डॉक्टर को ये पता भी चलता है कि उसकी बेटी के साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है। अब इस घटना के बाद शहर में कई सारी हत्याएं हो रही हैं, जिसकी शक की सुई पुलिस को सबसे पहले उस डॉक्टर के पर ही जाती है। लेकिन जब भी मर्डर होता है तब वो डॉक्टर पुलिस के निगरानी में ही होता है। तो अब ऐसे में ये मर्डर कर कौन रहा है, आगे कहानी में क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों असल में उसकी बेटी का जिसने शारीरिक शोषण किया है वो चार यंग लड़के हैं जो कि बहुत ही पैसे वाले हैं। अब पैसों की पावर से उन्होंने इस केस को दबा दिया है और अब वो पिता जो कि अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहता है वो अब इस खेल में उतर चुका है। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक पिता किस हद तक जाता है यही आपको आगे फिल्म में दिखाया गया। फिल्म में आपको कई सारे सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग मोमेंट देखने को मिलते हैं। IMDb से इस मूवी को 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अदालत इन चारों को सबूतों के अभाव पर बाइज्जत बरी करती है। नंबर 3 पर है 2022 की एक क्राइम थ्रिलर सीरीज कंट्री माफिया। वैसे तो ये वीडियो मूवीज पर है लेकिन मुझे ये क्राइम थ्रिलर सीरीज हिंदी में ही यूट्यूब पर मिल गई, तो सोचा क्यों ना भाई इस सीरीज को भी हम वीडियो में ऐड कर ले। इस वेब सीरीज के कास्ट में हमें रवि किशन, सौंदर्य शर्मा और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी में बब्बन नाम का एक गैंगस्टर है जिससे हर कोई डरता है। गैंगस्टर के साथ ये एक पॉलिटिशियन भी है। अब बब्बन ने एक ठेका चलाने वाले आदमी को मार दिया होता है और अब उसके बेटा बेटी सब कुछ छोड़ के बब्बन की जान के पीछे लग गए हैं। उनको ऐसा करने के लिए और कोई नहीं बल्कि उनकी माँ ही फोर्स कर रही है। लेकिन बब्बन बहुत ही खतरनाक है, वो पॉलिटिशियन कम गुंडा ज्यादा है। लेकिन बब्बन की एक कमजोरी है कि वो कोई भी बड़ा काम करने से पहले एक बाबा के पास जाता है और ये बाबा भी कुछ कम नहीं है। साथ ही साथ एक पुलिस वाला भी है जो कि बब्बन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। कौन मरेगा कौन बचेगा ये तो आपको सीरीज खत्म कर ही पता चलता है। सीरीज में रवि किशन ने कमाल का काम किया है। कुछ सीन ऐसे भी है जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। और सीरीज की स्टोरी बिहार और यूपी की है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें डायलॉग कैसे होंगे। शॉर्ट में कहूं तो एक भरपूर क्राइम थ्रिलर और एक्शन से भरी सीरीज है जो कि आपको हिंदी में ही YouTube पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2023 में ही रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन और थ्रिलर पर बनी मूवी 7:11 PM। फिल्म में हमें भरत रेड्डी, सुरभि और अरबी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी 1999 के दशक की है जहां पर एक छोटे से गांव में कुछ पॉलिटिशियन की वजह से एक बहुत ही बड़ा घोटाला होने वाला है। फिल्म का लीड एक्टर रवि जो कि इस घोटाले को रोकने की कोशिश कर रहा है वो एक दिन अचानक से ही टाइम ट्रैवल कर 1999 से सीधा 2024 में पहुंच जाता है। यानी कि कहानी चल रही है 1999 की और वो पहुंच जाता है सीधा 2024 में। अब यहां पर वो अपने गांव का फ्यूचर देख लेता है, उसका गांव मैप से पूरी तरह से गायब भी हो चुका होता है। अब रवि वापस 1999 में आने के लिए क्या क्या करता है, आगे कहानी में कौन से टर्न और ट्विस्ट आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों इस मूवी का एक प्लस पॉइंट है VFX, जहां पर हमें इतने अच्छे VFX दिखाए गए हैं मानो कि कोई हॉलीवुड मूवी चल रही हो। फिल्म शुरुआत से ही इंगेजिंग हो जाती है जो कि एंड तक हमें बांधे रखती है। IMDb से इस मूवी को 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 1 पर है 2018 की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी ओरु कुप्रासिदा बयान। फिल्म में हमें टोविनो थॉमस, निमिसा और भी कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी एक सिंपल से लड़के की है जिसे एक बूढ़ी औरत की हत्या के केस में फंसाया जाता है। उसकी तरफ से एक लॉयर केस लड़ रही है, तो अब आखिर तक उस लड़के को न्याय मिलता है या नहीं, कौन है उस बूढ़ी औरत का हत्यारा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों जैसे कि साउथ की मूवीज में जो कोर्टरूम ड्रामा चलता है वो देखने में हमें जो मजा आता है वही फील आपको इस मूवी में भी आएगा। जब एक साधारण सा लड़का जेल में चला जाता है तब उसे कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आखिर तक उसे न्याय मिल पाता है या नहीं, यही सब आपको मूवी में दिखाया गया है। इस फिल्म की शुरुआत थोड़ी आपको स्लो लग सकती है लेकिन आगे आगे कहानी में आपको बहुत सारा थ्रिल देखने को मिलता है। IMDb से इस मूवी को 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है।